पिछले 12 साल में बायोमोन ने बहुत तरक्की की है। आज इसका सालाना रेवेन्यू 300 मिलियन यूरोस है। सो इट्स ऑल ऑर्गेनिक। जी, जितनी चीजें आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक है, इसमें कोई केमिकल नहीं पड़े। ये एक ऑर्गेनिक स्टोर है, केमिकल से पाक खुराक, फल और सब्जियों के अलावा कुदरती कॉस्मेटिक्स और फूड सप्लीमेंट से भरा ये स्टोर फ्रांस भर में फैले बायोमोन के 200 से ज्यादा स्टोर्स में से एक है, जिसकी बुनियाद 53 साल अमजद अजीज ने 1991 में रखी। बहुत से मुश्किल दिनों के बाद अपनी मेहनत के फल पर अब वो खुश हैं। ये मैंने आज से 25 साल पहले स्टार्ट किया था। ये सच बात है कि स्टार्ट में मुझे बड़ी प्रॉब्लम्स हुई, बहुत प्रॉब्लम्स हुई, चूँकि सिस्टम मुनज़्ज़म नहीं था, हमें सारी चीज़ें नहीं मिल रही थी, लेकिन मैं डिसाइड नहीं हुआ। मैंने पहली दुकान से शुरू किया, एक बनाई, दो बनाई, तीन बनाई, और आज माशाल्लाह जो है ना, इस तरह के 209 स्टोर है हमारे। उनका कैसा जा रहा है? ठीक है। अमजद 1983 में पाकिस्तान से जर्मनी के लिए निकले, लेकिन पैसे कम होने की वजह से तुर्की के रास्ते फ्रांस तक ही पहुंच सके। अमजद कहते हैं कि पेरिस पहुंचने पर उनके हाथ में सिर्फ 100 फ्रैंक थे, जो एक जानने वाले पाकिस्तानी के एड्रेस तक पहुंचने में टैक्सी का किराया बना। वो जानने वाला पाकिस्तानी जिसके घर और दिल में उन्हें एक रात के लिए रखने की भी जगह ना थी, उन्हें आज भी इस शहर में अपनी गुजारी हुई पहली रात याद है। वो मेरी पहली जो रात थी वो पैरलशेज इनका एक कब्रिस्तान है जहाँ से शुरू हुई, वो पहली रात में वहाँ पे सोया। बचपन का ख्वाब था जहाज उड़ाने का। पेरिस पहुंचने के 15 साल बाद इस शहर में कदम जमाए और ये ख्वाब भी पूरा किया। हाल ही में पेरिस से मेलबोर्न अपने जहाज में 20 मुल्कों पर 90 घंटे तक की फ्लाइंग करके एक स्पोर्ट्स चैलेंज को पूरा किया। अमजद अजीज के आज कारोबारी मुकाम को देखें और उस मौके को देखें जिसका सिरा पकड़कर उन्होंने अपने कारोबारी सफर का आगाज किया, तो यकीनन हैरत होती है। ये मार्केटों में ट्रक की लोड अनलोड करने का मैंने स्टार्ट किया सबसे पहले, तो वहीं से मुझे चांस मिला कि मुझे एक स्टैंड मिल गया, तो वहां से मैंने अपना स्टार्ट लिया। 35 साल से अमजद फ्रांस में आबाद जरूर हैं, लेकिन दिल में पाकिस्तान की खिदमत का जज्बा अभी भी कायम है। 2005 के तबाहकुन जलजले के बाद सबसे पहले इमदादी सामान लेकर पहुंचने वालों में अमजद भी शामिल थे। इसी जलजले के बाद 1500 बच्चों की किफालत का जिम्मा भी उठाया और अब भी पाकिस्तान में तकरीबन 100 मिलियन यूरो की सरमायाकारी करने जा रहे हैं। पाकिस्तान ने मुख्तलिफ शोबों में बहुत तरक्की की है, हर लाइन में तकरीबन तरक्की बहुत तरक्की हुई है, लेकिन खाने पीने की चीज़ों में जो है ना, वो इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई। बायोमोन स्टार्ट करने वाले अमजद अजीज इस वक्त पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट वेंचर्स और इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस ढूंढते नजर आते हैं। अब वक्त आ गया है कि मैं चाहता हूँ कि मैं